गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी एजुकेशन ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सो गाइज अब हमारी जो क्लास है कंटिन्यू कंप्यूटर के टॉपिक पर ही चलेगी, ठीक है? तो आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि कंप्यूटर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। सो गाइज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो हमारा कंप्यूटर का जो ये शब्द है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट मीन्स गणना करना, ठीक है? इन द पास्ट टाइम अर्ली कंप्यूटर डिवाइसेस वर यूज टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओनली। पहले के समय में कंप्यूटर जो डिवाइस है उसका यूज ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता था, ठीक है? देर वर नो स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर। इसका यूज कोई भी मतलब कि डेटा स्टोर करने में या कोई भी प्रोसेस करने में इसका यूज नहीं होता था, ओनली इसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता था। सो गाइज ये थी हिस्ट्री। आगे हमारा टॉपिक आता है एबेकस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एबेकस। जनरली क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है कि एबेकस होता क्या है, ठीक है? और किसके द्वारा ये इन्वेंट किया गया एबेकस, ये। सो गाइज यहाँ पर दिया हुआ है एंड आप एबेकस की पिक देख सकते हैं। यहाँ पर ये पिक है एबेकस की, इसको मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स? अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5000 ईयर्स एगो, यानी कि 5000 साल वर्षों पहले चाइनीज पीपल इन्वेंटेड द एबेकस। जो चाइनीज पीपल है यानी चीन के, उन्होंने एबेकस को क्या किया था, इन्वेंट किया था। इट इज स्टिल यूज इन फार ईस्ट फॉर कैलकुलेशन प्रोसेस। इसके द्वारा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इजली हो जाती थी, और इसका यूज जो है कैलकुलेशन के लिए ही किया जाता था पहले के टाइम में, क्योंकि पहले के टाइम में पीसी तो होते नहीं थे। ये 5000 ईयर्स एगो की बात है फ्रेंड्स। द वर्ड एबेकस वाज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड, जैसे कि हमारा कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से लिया गया था जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया था, वैसे ही जो अरेबिक वर्ड है वो भी अबैक से लिया, अबैक वर्ड है उससे लिया गया है ये, ठीक है? विच मीन, इसका भी मीनिंग, इसका मीनिंग डस्ट है। जैसे कंप्यूटर का मीनिंग क्या था, कैलकुलेट करना, इसका मीनिंग है डस्ट। दिस डिवाइस वाज कंसिस्ट ऑफ वुडन फ्रेम। जैसे कि आपने देखा ये पिक में, जो ये डिवाइस है ये वुडन यानी लकड़ियों, जो लकड़ी की जो फ्रेम होती है उससे फिट होती है ये, यानी इसमें वुडन का यूज किया गया है। विद सेवरल रोज ऑफ बीड्स स्ट्रंग ऑन रिजिड वायर्स। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बीड्स हैं, ठीक है, जो रो में है वो, और इसके अंदर वायर है, दिख रहा है जैसे कि पिक में ये वायर, ठीक है? ईच वायर कंटेन्स एट लीस्ट 5 बीड्स। जैसे कि आप पिक में देख ही रहे हैं कि प्रत्येक वायर में कितनी बीड्स हैं, 5 है, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बीड्स हैं, ठीक है? दिस बीड्स वर प्लेस्ड इन अप एंड डाउन डायरेक्शन फॉर कैलकुलेशन। इसका यूज अप एंड डाउन करके, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। यानी कि बेसिक सी बात है फ्रेंड्स कि एबेकस का यूज 5000 ईयर्स पहले किया जाता था, और ये चाइनीज पीपल के द्वारा इन्वेंट किया गया था एबेकस, और इसका यूज ओनली किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए होता था। इससे जो कैलकुलेशन है वो इजिली हो जाती थी। सो गाइज आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड एबेकस। आपको अगर
इसे कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर।